एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, मॉर्निंग वॉक से हम आगे हैं। और अभी अनुराग हो रहा है रेडी और हस्बैंड कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट, जो कि मैंने कल शाम को बनाया था, कद्दू की सब्जी और छोले। अच्छा अच्छा रिव्यू मिल रहा है मेरे को सुबह सुबह, इसलिए मैंने सोचा कि कैप्चर करना तो बनता है। हाँ जी सर, कैसे मस्त मस्त बहुत ज्यादा मस्त, चटपटे है, बढ़िया कद्दू। और अनुराग पी रहा है अपना मिल्क शेक सुबह सुबह ही और रेडी हो रहा है स्कूल के लिए। ओ सॉरी, हाँ मिल्क शेक, हाँ मिल्क में बनाना शेक। तो मैं बना रही हूँ इनके लिए ब्रेकफास्ट, उनका का लंच हो चुका है रेडी यहाँ पे। और अब चलते हैं किचन की ओर, बनाती हूँ और चपातियाँ मैं। आज की शुरुआत हुई जी कद्दू और चने के साथ, टेस्टी टेस्टी बहुत बढ़िया, आज दिन भर टेस्टी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी सारे काम घर के हो चुके हैं हस्बैंड के जाने के बाद, और अब मैं हो गई हूँ पूजा वगैरह करके, साफ सफाई, और बाहर मैंने नीचे वाला धोया और कपड़े धो के रखे हैं, अभी धूप में नहीं डाले हैं। मैंने सोचा कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, काफ़ी लेट हो जाएगा, नहीं तो पूजा वगैरह करने के बाद मैं सीधी आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो फटाफट हम ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं आज जरा हमने जो कद्दू की सब्जी बनाई थी कल, और मुझे इतना मन था उसको खाने का, तो अभी खा के देखते हैं ज़रा अपने हाथों की कद्दू की सब्जी कैसी बनी। तो फ्रेंड्स, ये ले ली मैंने कद्दू की सब्जी और दो चपातियाँ, यही खाऊंगी मैं। छोले तो रोज़ खाते रहते, आज देखते हैं अपनी कद्दू की सब्जी का टेस्ट ज़रा कैसा है। यहाँ बैठते हैं धूप में और टेस्ट करते हैं अपनी सब्जी। तो फ्रेंड, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया और जो मैंने कद्दू की सब्जी बनाई थी ना, वो बहुत टेस्टी थी। आप सोच रहे होंगे कद्दू की सब्जी तो थी ऐसा, उसमें किया था जो इतना एक्साइटेड थे कद्दू की सब्जी को टेस्ट करने के लिए। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि जो मैंने कद्दू की सब्जी बनाई थी वो मैंने एक रेसिपी ट्राई की थी यूट्यूब से, तो इसलिए मुझे ये था कि अगर मैंने रेसिपी के थ्रू बनाई है तो कैसी होगी, अच्छी बनी होगी, क्योंकि खुशबू भी उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना, तो इसीलिए वो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उस कद्दू की सब्जी को ट्राई करने के लिए। तो ये था उसके पीछे का रीज़न। और अभी बस मैं वैसे ही बैठी थी तो मैंने सोचा कि टाइम को कुछ ना कुछ यूटिलाइज़ कर लेते हैं। मैंने अपने दो प्लांट्स लगाए हैं नए, तो उनके लिए कुछ प्लांटर्स बना लेते हैं बढ़िया से। तो ये पड़ी थी मेरे पास कांच की बॉटल, इसको सजाते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इसको सजाने का काम कर लेते हैं, फेंकने से अच्छा है कि हम इनको यूज़ में कर लें और बहुत सारे प्लांट्स इसमें उगा सकते हैं हम। तो यही सोच के मैंने सोचा कि चलो करते हैं, मेरे पास जो भी कलर है उन्हीं से करूँगी फ़िलहाल के लिए, फिर बाद में और कलर्स भी लाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है उसी से डेकोरेट करते हैं बॉटल्स को। यहाँ पे मैंने पूरी बॉटल को कर लिया है ग्रीन कलर से, कलर काफ़ी पुराने थे, इसलिए जो है वो बहुत अच्छे से फिनिशिंग नहीं आई है इसकी। मैंने टाइम लैप्स भी बनाया था लेकिन वो अच्छा नहीं बना था, इसलिए मैंने उसको लगाया ही नहीं। और ये देखो मैंने इस पर अपनी कलाकारी दिखा दी है और बहुत ही सुंदर सी लग रही है, लेकिन जो हमारे कलर थे ना वो थोड़े से पुराने थे, इसलिए बहुत बढ़िया उससे फिनिशिंग नहीं आई, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके बना दिया और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, दूर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी बाकी देखते हैं बाकी सब क्या रिव्यू देते हैं इसके बारे में। जी फ्रेंड्स, मेरा डेकोरेटिव पीस हो गया है तैयार। ये देखो ये ऐसे कुछ इस तरह से किया है मैंने, इसको जुगाड़ से जो भी कलर थे मेरे पास उन्हीं को यूज़ किया। ऑरेंज कलर थोड़ा सा फ्लोई था इसलिए ये फ्लो हो रहा था, इसलिए कुछ उतनी अच्छी ग्रेस नहीं आई। फिर भी कैसी लग रही है मेरी बॉटल बताना दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों, एक बॉटल को तो मैंने डेकोरेट कर दिया है, कुछ ऐसी हुई है मेरी बॉटल डेकोरेट, जो भी मेरे मन में आया वही मैंने ड्रॉ कर दिया इस पर, और ऐसी कुछ हुई है लेकिन अच्छी लग रही है, उतनी बुरी भी नहीं है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया। और जो कलर थे ना वो थोड़े से काफ़ी ज़्यादा पुराने थे, तो थोड़े उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे तो अच्छी लग रही है। आप लोग भी बताना कि मैंने कैसे डेकोरेट किया है इस बॉटल को। टन टन,
ये मैंने फ्लावर बनाया है और ये मैंने थोड़ा बहुत सा डेकोरेट किया है, और ऑरेंज कलर थोड़ा सा फ्लोई फ्लोई था इसलिए ज़्यादा कारीगरी मैं दिखा नहीं पाई ऑरेंज कलर से, जो भी मैंने किया है बड़ी मुश्किल मुश्किल से किया है। और ये बन गई है मेरी बॉटल, ये आ गया अनुराग भी स्कूल से रात ही, इसने देखी मेरी बॉटल। ये किसने बनाई, कैसी लगी अनुराग? आपने बनाई है? मैंने बनाई है, बड़ी बड़ी सुंदर बनाई है, बोल रहा था बड़ी टेस्टी बनाई है। रोज खाना खा खा के अब आपको टेस्टी लग रही है, अच्छी लग रही है? अंदर से भी किया है कलर, अंदर से तो कैसी नहीं, हाँ टेस्टी है, अच्छी अच्छी है, मेरे पास अच्छी बनाई है, अच्छी बनाई है, अच्छी है ना। फूल लगाएंगे इसमें? हाँ ये जो उनको भी ऐसे कलर कर दूंगी ना मैं, जो वो वाले हैं उनको भी कलर कर दूंगी। ठीक है, कैसा है आपका स्कूल? टेस्टी। आपका मतलब क्या है, मेरे को लगता है खाना ज्यादा टेस्टी था स्कूल में, इसलिए आप बोल रहे हैं। तो ये कैसे था? टेस्टी बनाया था। तभी आपका ध्यान टेस्टी पे ही जा रहा है। अभी खाना है? छोले पूरी, छोले चावल कुछ खाना है? नहीं खाना, चलो चेंज करो। आज ब्रो में इतना रश था, एक तो सिलेंडर की गाड़ी भी आई थी और देवता की गाड़ी भी थी, ऊपर से लोग भी इतने सारे आए थे सिलेंडर लेने, इतना रश था वहाँ फंस गया आधा घंटा तो, तभी लेट आए। मैं सोची मेरे को पता नहीं आज क्यों लेट है, अनुराग आई भी रहा है या मेरे लेट है, तभी तो लेट, तभी लेट हुए। मैंने आते ही लगा दिया है देश का धोनी, जिससे कि अनुराग आजकल बहुत ज्यादा इंस्पायर है। और ये देखो इंसानियत, आज आ रहा है इंसानियत। तो फ्रेंड्स बॉटल मेरी अच्छे से सूख गई थी और मैंने अपना ये मनी प्लांट इसमें लगा लिया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, उतनी अच्छे से कलाकारी नहीं हो पाई लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। और ये देखो ये सजा दिया मैंने अपने मनी प्लांट को एक कॉर्नर में, कैसा लग रहा है बताना फ्रेंड्स। अभी मैं चल पड़ी हूँ इवनिंग वॉक के लिए, और क्योंकि अभी सिलेंडर की गाड़ी भी आनी है आज, मैंने तो नहीं भरना है लेकिन मेरी फ्रेंड ने तो भरना है सिलेंडर, तो इसलिए हमने सोचा कि टाइम से निकलते हैं, अभी तो गाड़ी आई नहीं है, गाड़ी आने तक वापस आ भी जाएंगे, तो फटाफट निकल रहे हैं। अभी हम आए थे घूमने के लिए और अभी हम बैठे हैं यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, हमने सोचा आज थोड़ा जल्दी आ गए थे, हमने सोचा सिलेंडर की गाड़ी आएगी इसलिए हम जल्दी आए घूमने, तो हमारे पास टाइम था थोड़ा, इसलिए हम बैठ गए रास्ते में, ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। जी आ गई हूँ घर।